और रूस के खिलाफ जारी युद्ध में यूक्रेन को लगातार मदद जारी है। नॉर्वे ने यूक्रेन को जर्मनी में बने 8 लेपर्ड टैंक दिए, तो नॉर्वे ने जनवरी में यूक्रेन की मदद का ऐलान भी किया था। करीब 13 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले साल से लगातार कई पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को हथियार की मदद लगातार दी जा रही है। अब यूक्रेन को नॉर्वे से हथियारों की बड़ी खेप मिली है। नॉर्वे की आर्म्ड फोर्स ने कहा है कि नॉर्वे ने जर्मनी में बने 8 लेपर्ड वॉर टैंक दिए हैं, जिनमें से 2 मेन बैटल टैंक और 4 सपोर्ट व्हीकल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लेपर्ड टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग यूक्रेनी सेना के जवानों को पोलैंड में दी जा रही है। नॉर्वे ने लेपर्ड टैंकों के लिए गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स खरीदने के धन जुटाया है। नॉर्वे ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए $300 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया है। नॉर्वे के रक्षा मंत्री ब्योर्न एरिलग्राम ने कहा कि नॉर्वे और यूरोपीय सुरक्षा के लिए अहम है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता से नहीं जीतना चाहिए। नॉर्वे ने 25 जनवरी को लेपर्ड 2A4 को यूक्रेन भेजने की अपनी योजना का ऐलान किया था। लंबे समय से मांगे जा रहे मॉडर्न लेपर्ड टैंकों को यूक्रेन पहुंचाने वाला पहला देश पोलैंड था।